एक पेड़ जिसको छूने से ही शरीर पर पड़ जाते हैं छाले, एक फल जिसको खाने से जीभ से लेकर गला तक सूज जाता है। काजू आखिर कब जहरीला होता है? किस पेड़ को सुसाइड ट्री कहते हैं? जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में। मैंचिनील। दोस्तों, सबसे पहले दुनिया के सबसे जहरीले फलों की लिस्ट में हमने शामिल किया है मैंचिनील को, क्योंकि साल 2011 में इसके पेड़ को सबसे खतरनाक पेड़ के तौर पर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। फ्लोरिडा और करेबियन सी के आसपास पाए जाने वाले इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि इस पेड़ को छूने से बॉडी पर छाले पड़ जाते हैं। वहीं अगर कोई इसका फल खा ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसी तरह अगर बारिश के दौरान इस पेड़ के नीचे अगर कोई खड़ा हो जाए तो इससे आने वाले पानी से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यही नहीं, अगर इस पेड़ की लकड़ी को जला दिया जाए तो उससे निकलने वाले धुएं से स्किन, लंग्स और आंखों को काफी नुकसान हो जाता है। कैशू, काजू। शायद आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई दूसरा काजू होगा और वीडियो में भी आपको ये काजू नजर नहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले आप ये जान ले कि ये काजू ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस काजू को हम नट की कैटेगरी में समझते हैं, दरअसल वो तो एक बीज है। इसीलिए आप देख सकते हैं फल के निचले हिस्से में काजू लगा है। लेकिन दोस्तों, जो काजू हम खाते हैं वो इसी काजू से तैयार किया जाता है, लेकिन कई सारे प्रोसेस के जरिए तब कहीं जाकर ये खाने लायक बनता है। वरना फिलहाल जो काजू आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से कच्चा है, और ऐसे में ये कच्चा काजू जहरीला होता है। दरअसल इसके अंदर CNSL यानी कैशू नट शेल लिक्विड होता है, और यही काजू के जहरीला होने का कारण होता है। व्हाइट बैनबेरी डॉल्स आईज। ज्यादातर अमेरिका और कनाडा में पाया जाने वाला ये फल है बच्चों की गुड़िया की आंख जैसा क्यूट सा नजर आता है, इसीलिए इसे व्हाइट बैनबेरी को डॉल्स आईज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये फल देखने में जितना क्यूट और खूबसूरत नजर आ रहा है उतना ही ये खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें कार्डियोजेनिक टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे खाने पर कार्डिक मसल्स टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि इसकी वजह से कार्डियक अटैक भी पड़ सकता है, और अगर समय रहते इलाज नहीं किया जाता है तो ऐसे में जान का खतरा भी पैदा हो जाता है। वेल, पिंक कलर की टहनी पर इनका ये गुच्छा देखने में भले ही खूबसूरत हो, लेकिन आप जान चुके हैं कि ये कितना खतरनाक है, इसीलिए इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि न सिर्फ फल बल्कि इसका पौधा भी जहरीला होता है। वाइल्ड एरम। दोस्तों, खूबसूरत से नजर आने वाले इस फल को एरम मैकुलेटम, एरम लिली, बॉबिन्स और एडर्स रूट जैसे कई नामों से जाना जाता है, और ये यूरोप और टर्की में पाया जाता है। वेल, ये फल लिस्ट में इसलिए है क्योंकि सुना तो आपने ही होगा कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, और उसी तरह इस फल के बारे में जान ले कि ये फल भले ही बेरीज की तरह नजर आता है, लेकिन इसे बेरीज की तरह खाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये काफी जहरीला जो होता है, और इतना जहरीला होता है कि इसके एक फल को खाने पर ही मुंह और जीभ और गले में स्वेलिंग की शिकायत आ जाती है। इसके अलावा पेट दर्द की समस्या से भी जूझना पड़ता है, और सूजन के बारे में बता दें कि स्वेलिंग इतनी ज्यादा भी हो जाती है कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, और अगर जल्द ही इलाज नहीं किया जाए तो जान का खतरा भी हो सकता है। सेरबेरा ओडुलम। दोस्तों, नाम से और देखने से ही ये फल भले ही आपको खूबसूरत लग रहा हो और इसे देखकर भले ही आपके दिमाग में आ रहा हो कि जब देखने में इतना बढ़िया लग रहा है तो यकीनन खाने में भी बड़ा ही टेस्टी होगा, तो आपको बता दें कि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पेड़ सेरबेरा ओडुलम प्रजाति का एक सुसाइड ट्री है। इसका यही सुंदर सा दिखने वाला एक फल या इसके बीज खाने पर जान ले सकता है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में पाया जाने वाला सेरबेरा ओडुलम का पौधा इतना जहरीला होता है कि इसे कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है। दरअसल सेरबेरा ओडुलम के बीज में सेरबेरी नाम का तत्व पाया जाता है जो काफी जहरीला होता है, इसलिए इसके जरा से सेवन से भी कुछ ही मिनटों में पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टियां, अनियमित धड़कन और डायरिया जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसके कुछ ही देर बाद ये बॉडी में एंजाइम्स और हार्ट की एक्टिविटीज पर इफेक्ट डालता है, और कुछ ही घंटों के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पेड़ के बारे में एक अच्छा पहलू भी है। अब इसका उपयोग कई बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाइयां बनाने में किया जाता है। फिलहाल इसके फल से त्वचा रोग से छुटकारा, एंटी कैंसर एक्टिविटी, कब्ज और दूसरी एंटी बैक्टीरियल दवाइयां बनाने में बहुत फायदा मिला है। श्रीलंका में इसका उपयोग दिया जलाने, मच्छर और दूसरे कीटों को भगाने में किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टार फ्रूट। कमरख। जैसा इस फल का नाम है कुछ वैसा ही ये फल दिखाई भी देता है, और जब इसे काटा जाता है तो पूरी तरह एक स्टार जैसा ही नजर आता है।
वैसे इसे कमरख भी कहा जाता है। आपको आसपास पाया जाने वाला ये फल कई बार बाजार में बिकता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि इसके खट्टे और मीठे मिक्स टेस्ट की वजह से कुछ लोग इसे खाना काफी पसंद करते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल सलाद, फ्रूट चाट और खाने को डेकोरेशन के लिए भी करते हैं। आपको बता दें कि विटामिन सी का ये एक अच्छा सोर्स है, लेकिन जैसा कि हमने इसे जहरीले पेड़ पौधों और फलों की कैटेगरी में डाला है, तो जाहिर है कुछ इसमें ऐसा होगा भी। आपको बता दें कि दोस्तों, जिस तरह इसमें विटामिन सी की मात्रा में पाया जाता है, उसी तरह इसमें एक्सिलेट भी काफी बड़ा क्वांटिटी में मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पौधा या फल जो कि जड़ी बूटियों की कैटेगरी में आते हैं, उनके कई बार नुकसान भी होते हैं, तो ऐसा ही कुछ स्टार फ्रूट में पाए जाने वाले एक्सिलेट के मामले में भी है। वाइल्ड ककम्बर, किसी सब्जी की तरह नजर आने वाला ये फल दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। वेल, इस पर लगे कांटों के वजह से जिस तरह ये आपको खतरनाक से नजर आ रहा है, आपको बता दें कि आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पहली बात, इसके कांटों के खतरे की करें तो इसके कांटे लगने पर घाव हो जाता है। इसी तरह अगर कोई इसे खाने की गलती करता है तो वो जान से हाथ धो बैठता है। अब तक तो दोस्तों आपने पेट दर्द जैसी समस्याओं के बारे में जाना होगा, लेकिन इस फल को खाने पर आपको हेयर फॉल की समस्या से जूझना पड़ता है। यूरोप स्पाइंडल, ये पेड़ यूरोप में पाया जाता है। ज्यादातर ये वहाँ के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन इसके फल की खूबसूरती के चलते इसे वहाँ सड़कों के किनारे सजावट के लिए भी लगाते हैं, क्योंकि पतझड़ के मौसम में पिंक कलर के नजर आने वाले ये फल देखने में काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि यही फल अगर खा लिए जाए तो हेल्दी से हेल्दी इंसान भी बीमार पड़ सकता है, क्योंकि इनमें ग्लाइसोसाइड्स केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, वॉमिटिंग और चक्कर आने जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा इसका अगर ज्यादा सेवन किया जाए तो बेहोशी और गुर्दे फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पाइनएप्पल लिली, हमने दोस्तों वाइल्ड एरम के बारे में आपको बताया कि हर पीली चीज सोना नहीं होती और बेरी जैसा दिखने वाला हर फल खाने योग्य नहीं होता। उसी तरह का मामला दोस्तों पाइनएप्पल लिली के बारे में भी है, क्योंकि देखने में ये फल पाइनएप्पल की तरह नजर आता है। साउथ अफ्रीका, बुत्सुआना, जिम्बाब्वे और मालावी में ये फल पाया जाता है। पाइनएप्पल जैसे शेप की तरह नजर आने वाले इस फल के ऊपर लगी पत्तियां पर्पल कलर की होती हैं, जबकि पाइनएप्पल की पत्तियां पीले रंग की होती हैं। लेकिन आपको बता दें, जब ये छोटा होता है उस समय ये हरे रंग का ही होता है। वेल, अब इसे खाने पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ये भी जान ले, क्योंकि ये पाइनएप्पल की तरह फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 11, रोजरी पी। दोस्तों रोजरी पी यूएस नॉर्थ अमेरिका में, भारत में भी पाया जाता है। आपको बता दें कि ये फल पेड़ पर फलियों में ग्रोथ करते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो फलियों से बाहर निकलते हैं। इनका साइज यूं तो मटर जितना ही होता है, लेकिन कलर रेड और ब्लैक होता है। वैसे बता दें, इसे डेविल आई भी कहा जाता है, क्योंकि इसे खाने पर उल्टी, बेहोशी से लेकर लिवर फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक फल। कौन सा फल सबसे खतरनाक लगा कमेंट्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।